अब भारत का लक्ष्य है अगले 5 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक का विस्तार देना। ये लक्ष्य आसान नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके। साथियों, आज भारत की इकोनॉमी करीब $3 ट्रिलियन की है। यहां इतने इन्फॉर्म लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं। और आप सोचिए, क्या आपने कभी सुना था कि देश में कभी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था? कभी नहीं। हम 70 साल में $3 ट्रिलियन तक पहुंचे, 70 साल में। पहले न किसी ने सवाल पूछा कि इतना समय क्यों लगा और न ही किसी ने जवाब दिया। अब हमने लक्ष्य रखा है, सवालों का भी सामना कर रहे हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुटे भी हैं। ये भी पहले की सरकारों और हमारी सरकार के बीच काम करने के तरीके का बहुत बड़ा अंतर है। दिशाहीन होकर आगे बढ़ने से अच्छा है कि मुश्किल लक्ष्य तय करके उसे प्राप्त करने की कोशिश की जाए। अभी हाल में जो बजट आया है वो देश को इस लक्ष्य की प्राप्ति में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में और मदद करेगा। साथियों, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह बहुत आवश्यक है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। इसके लिए सरकार ने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं, अनेक फैसले लिए हैं। देश भर में इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल डिवाइस और टेक्नोलॉजी क्लस्टर बनाने का फैसला किया है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन से भी इसे सहयोग मिलेगा। हम जो एक्सपोर्ट करेंगे उसकी क्वालिटी बनी रहे, इसके लिए भी नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। साथियों, मेक इन इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था को देश के छोटे से छोटे उद्यमियों के लिए बहुत बड़ी मदद कर रही है। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग में तो भारत ने अभूतपूर्व तेजी दिखाई है। 2014 में देश में 1,90,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का निर्माण हुआ था। पिछले साल ये बढ़कर 4,60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया। साथियों, $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100,00,000 करोड़ रुपए के निवेश से भी एक बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। देश भर में 6500 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर होने वाला काम अपने आसपास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को गति देगा।